आज हम बनाने वाले हैं शकरपारे। तो शकरपारे बनाने के लिए रेसिपी को फॉलो करिए। सभी सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। यह हमने मैदा लिया है 1 कप। जी ये देख लें, ये 1 कप मैदा है और मैं ये इसके अंदर बाउल में डाल दूंगी। और अब मैं 1/2 कप और लूँगी मैदा, ये देख लें आप लोग। तो ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब मैं लूँगी ऑयल, आप चाहें तो आप ले लें घी भी, लेकिन मैंने लिया है ऑयल। ऑयल है कम से कम आधी प्याली, छोटी वाली, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डाल दिया और अब मैं इसको करूँगी मिक्स। और इसके अंदर हम डालेंगे इलायची पाउडर खुशबू के लिए। तो ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और देखिए मैंने अच्छे से आटे को भून लिया है और अब मैं इसको कवर अप कर दूँगी, ढकूँगी। जी ये देखें 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और 10 मिनट हो चुके हैं। जी ये देखें मैंने 2 हिस्सों में मैंने ये डिवाइड कर लिया है और अब मैंने ये पेड़ा बना रही हूँ। तो पहले हम बनाएंगे 1 पेड़े का। ये देखें मैंने किस तरह से इसको राउंड कर लिया है। इसमें हमें कोई खुश्की लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, माशाल्लाह से इतना स्मूथी और इतना ज़बरदस्त सा बना है ये डो हमारा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको बेल रही हूँ। इसमें मैंने कोई खुश्की का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करा है। तो ये देखें पूरा ये बेल चुका है राउंड शेप में। और जो साइडों से अगर आपको शेप ख़राब लगे तो आप कट करके निकाल दिएगा, बाकी तो वरना तो आप इसको पूरा इजीली इस तरह से काटिएगा। अब यह अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँगी, आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप नमक वाले शेप में काटें, तिकोन काटें, चकोर काटें, या जिस शेप में आप लोग देना चाहें आप उस शेप में इसको दे सकते हैं। तो अब ये देखिएगा मैंने ये किस शेप में मैं इसको काट रही हूँ। ये सीधा सीधा पहले मैं इस तरह से इसको कट करती चली जाऊँगी, ये सारा पूरा कट हो जाएगा। तो ये देखें आप लोग ये कट हो गया है। अब मैं इसको दूंगी शेप। तो ये देखें मैं किस तरीके से दे रही हूँ, बहुत आराम से, प्यार से और मोहब्बत से आपने ये सारा वर्क करना है, तभी आपको कुकिंग में मज़ा आएगा और आपके जो ये पारे हैं शक्कर पारे ये बनके रेडी होकर आप बस कहेंगे कि क्या ही ज़बरदस्त बने। तो ऑयल जो है देखें अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं 1 by 1 करके ये सारे इसके अंदर डालती चली जाऊंगी और देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तरीके से वो फूल रहे हैं। तो ये देखें मैंने सारे, मैं चाहूँ तो सारे एक साथ भी डाल सकती हूँ, लेकिन सिर्फ मैं दिखा रही हूँ। और अब देखें जो दूसरा एक और जो पेड़ा था वो भी मैं देखें बेल रही हूँ क्योंकि वो तो बन गए हैं और अब हम ये बना रहे हैं। और ये देखें अच्छा वो जो थे वो मैंने नमक पारे शेप में काटे थे, ठीक है। और अब आप ये देखिएगा इसकी शेप मैं किस तरह से दूंगी। ये देखें ये मैंने दी है इस तरह की शेप। जी अब हम बनाएंगे शीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने फ्राई पैन में मैंने ये 1 कप पानी डाल दिया है इसके अंदर और 1/2 कप मैं और डालूँगी, 1.5 कप पानी डाल दिया है और चीनी मैं डालूँगी 1 कप। ये देखें और मैं चीनी डालूंगी 1/2 कप से भी 1/2 मैंने ये डाल दी है इसके अंदर। अब हम करेंगे शीरा इसका तैयार। जब तक ये शीरा बनेगा तो हम ये शकरपारे वहाँ रेडी करेंगे। तो ये देखें ये जब तक के ये रेडी होता है तो मैं जो शकरपारे वो रेडी, हम देखते हैं शीरा हमारा रेडी हुआ है या नहीं। लेकिन अभी हमारा शीरा रेडी नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये नीचे आ रहा है। तो अभी हमारा एक तार नहीं बना। तो ये देखिए नमक पारे मैंने निकाल लिए हैं जो कि अभी मैंने बनाए थे नमक पारे। अभी तो मैं इसको नमक पारे कहूँगी क्योंकि अभी ये शक्कर में ऐड नहीं हुए हैं। तो ये देखिए हम फिर चेक करती हूँ कि ये देखें अभी भी ये नहीं बना है, बस अनकम्प्लीट है, बनने वाला है। कम अज़ कम इसको 2 से 3 सेकेंड लगेंगे तो ये बन जाएगा। ये देखें अब ये तार बनना शुरू हो रहा है हल्के हल्के। मैं स्लोली स्लोली बहुत अच्छे से इसको चला रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। तो जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए देखने वाले बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप लोग को मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए और अच्छी अच्छी सी रेसिपियाँ आप लोग को घर बैठे आराम से मिल सकें। और जो नीचे आप लोग को बटन दिया गया है थंब्स अप का तो वो लास्ट में आप लोग प्रेस कर दिएगा। तो ये देखें हमारा शीरा जो है बन के रेडी हो चुका है, एक तार आना शुरू हो गया है इसमें। तो ये देखें जी मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसके लिए सॉरी।
तो देखें जी, ये शीरा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये पारे सारे। तो ये देखें आप लोग, इतनी शानदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ये देखें मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं और मैं सब इसको मिक्स कर दूंगी वन बाई वन। ये देखें किस तरीके से करते हैं मिक्स, हमें एक भी नहीं छोड़ना है पारे। सारे पारों में हमें ये शीरा मिक्स करना है, तभी ये बहुत ज़बरदस्त से डिश आउट होंगे। जब आप लोग खाएंगे तो खाते के खाते रह जाएंगे। ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं, शाम में आप लोग चाय के साथ खाएं, तब बहुत मज़ा, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। तो ये लाजमी आप लोग घर में अपने बना के रखें, सर्दियों का मौसम है तो उसमें और अच्छा लगता है। तो करते हैं हम लोग डिश आउट। जी देखें माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुके हैं। और देखें आप लोग इसके ऊपर नट्स डाल सकते हैं, मैंने इसके ऊपर बादाम डाले हैं। तो कट्स करके आप लोग देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या बात है, अल्लाह पाक की शान कि उसने हमारे हाथ में इतनी बरकत दी है, इतना जायका दिया है। तो बस फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोग को मेरी नोटिफिकेशन और मेरी रेसिपी आराम से इजीली मिल सके। ढेर सारी दुआओं में किरण को याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।